हाँ जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड करना चाहते हैं। इस एनालिसिस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करेंगे रिजिड बॉडी का, और हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली एक टेंसर क्वांटिटी है। फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शंस नहीं होती, डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर्स में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है क्वांटिटी की और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। अब टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर तो डिपेंड करती है, मतलब वो उसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होती, बट डायरेक्शन को चेंज करने से हमें अलग अलग वैल्यूज मिल जाती हैं उस क्वांटिटी की, और स्पेसिफिक डायरेक्शन फिर भी नहीं होती। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आपको पता है, अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर आपका ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आंसर डिफरेंट आएगा, अगर आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आंसर और डिफरेंट आएगा। कहीं पर भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हो, और हर किसी एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आएगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर ए रिजिड बॉडी, है ना। तो अब इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायरेक्शन को चेंज करने से, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करने से चेंज हो जाता है, बट है वो स्केलर। ऐड कैसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर मान लो दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने टोटल फाइंड करना है, दोनों को मिला के आपने एक बॉडी बना दी, तो वो हम स्केलर्स की तरह ऐड करते हैं। बट दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द रिजिड बॉडी। तो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। अब जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे, एमएससी में चले जाओगे, आप इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ोगे इस टेंसर को, और एक जनरलाइज्ड तरीके से आपको समझाया जाएगा, बट अभी के लिए आपने इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। अब हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने वाले हैं रिजिड बॉडी का अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। उसके लिए पहले हमें एनालिसिस करना होगा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को ड्राइव करना है, जिसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ना टोटल 9 कंपोनेंट्स आएंगे। मतलब एक जनरलाइज्ड रिजिड बॉडी हम ले लेते हैं इस तरह की, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी के लिए हमने जिस तरह से उस दिन एंगुलर मोमेंटम लिखा था, हम वही एंगुलर मोमेंटम दोबारा से लिखेंगे, लेकिन अब हम उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, उसके एक्सप्रेशंस पुट करके हम एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस बनाने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, और फिर हमारे पास वहां पर एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। वो प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कशन अभी करेंगे। पहले हम थोड़ा एनालिसिस कर लें कि हम करने क्या वाले हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती है, और इसके बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं जिनकी आपको समझ होनी चाहिए कि हम बॉडीज को, रिजिड बॉडीज को कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर इनर्शियल प्रॉपर्टीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह का है उस हिसाब से हम बॉडीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने उस दिन एक ये डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और हमने यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमने जस्ट एक पार्टिकल कंसिडर किया था, आईएथ पार्टिकल। उस आईएथ पार्टिकल को हमने ओरिजिन से कहीं पर यहाँ पे माना था, उसका पोजिशन वेक्टर हमने बनाया था आरआई वेक्टर, और उसके बाद आरआई वेक्टर के साथ साथ हमने वहां पे एंगुलर मोमेंटम लिखा था ना। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर वाज परपेंडिकुलर टू दिस, दैट वाज एलआई वेक्टर, एंड दैट एलआई वेक्टर वाज गिवन बाय, लेट मी राइट कि दिस इज रिजिड बॉडी, पहले थोड़ा लिख लेते हैं, वी आर कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी, ठीक है, एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर कर ली है रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अभी हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात नहीं कर रहे, अभी तो जो अभी पहले किया था वही है, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो ये बॉडी घूम रही है और इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस हैं m1 कोमा m2 अप टू mn, ये मासेस हो गए, बी द मासेस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी, एट पोजीशन वेक्टर्स हैं उनके,
PVs का मतलब पोजीशन वेक्टर्स जो हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर, ठीक है। तो ये है, तो उसमें से कोई ith पार्टिकल है वो हम उसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम ही हम फाइंड करेंगे, और हमेशा आपको पता है ना कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा रिलेशन होती है। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो जो ओमेगा के साथ कॉफिशियंट आएगा वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ऑफ ith पार्टिकल, पहले हम सिंगल पार्टिकल का लिखते हैं, बाद में समेशन करके पूरी बॉडी का लिखते हैं ना। तो वो होता है Li वेक्टर इज इक्वल टू Ri वेक्टर क्रॉस Mi इनटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस Ri वेक्टर। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन किया हुआ है, आई होप आपको ये ओके। नाउ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, उसको हम लिख लेते हैं L वेक्टर, पूरा लिखते हैं ऑफ रिजिड बॉडी, दैट इज समेशन ऑफ Li वेक्टर। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका हमें एंगुलर मोमेंटम लिख के सबका समेशन करना है। तो ये हम जस्ट समेशन का सिंबल लगा देंगे कि अभी यहां पे ठीक है जी। तो ये हो गया है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। अब यहां पे हम वही ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला जो फॉर्मूला था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको यूज करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, मैंने पहले भी बताया था इट इज बी ए सी, बी को आपने ए डॉट सी से मल्टीप्लाई करना है, ये बी, ऐसे आप इसको याद कर लो, ठीक है, बी ए सी माइनस सी ए बी। तो ये रिलेशन मैं यहां पर इन तीन वेक्टर्स के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर। तो मास को तो हम बाहर ही लिख लेंगे क्योंकि वो स्केलर है। तो Mi हमने यहां लिख लिया और बाकी हमारे पास रिजल्ट आप पहले भी कर चुके हैं, ये बन जाएगा ओमेगा वेक्टर Ri डॉट Ri माइनस, इसको बंद कर देते हैं, माइनस Ri वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय Ri डॉट ओमेगा, ठीक है। ये हम इस तरह स्केयर ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम अभी इस फॉर्म में हमने लिख लिया। इसको भी हम लिख सकते हैं आर आई स्क्वेयर इस चीज को ना, और फिर हम इसको और एक्सपेंड करने वाले हैं, लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट शीट। तो एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम इज समेशन आई मास ऑफ आईथ पार्टिकल इंटू आर आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वेक्टर, ये मल्टीप्लाई होता है, ये स्केलर बन गया ना अभी, तो यहां मल्टीप्लाई है, माइनस आर आई वेक्टर, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन है, इसका डॉट प्रोडक्ट है अंदर। ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। यहां डॉट प्रोडक्ट है, यहां मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं डाला हुआ तो मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। कैसे, देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर को आप किसी वेक्टर से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पर ये भी स्केलर है, स्केलर को वेक्टर से हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सपैंड दिस, है ना, यूजिंग क्या है, देखो हमें पता है ना कि जो हमारा आर आई वेक्टर होता है आईथ पार्टिकल को, उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं एज एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, दिस इज द वेक्टर आर आई वेक्टर। अब इसका स्क्वेयर करना आपको, यहां स्क्वेयर चाहिए आर आई का स्क्वेयर, तो वो हो जाएगा एक्स आई स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड लेते हैं ना वेक्टर का वही सेम चीज, वाई कंपोनेंट का स्क्वेयर जेड कंपोनेंट का स्क्वेयर। ओमेगा भी हमारे पास है, ओमेगा वेक्टर इज ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, है ना। इसकी भी तीन डायरेक्शंस हैं, तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमने वहां पे ओरिजिन माना था ना बॉडी के। देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, ये ओरिजिन माना बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस हो सकता है, हम इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू
हाँ जी, हम इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू कहीं पर भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं, हमारी मर्जी ना, हम कहीं पर भी ऐसे वाई एक्सिस मान सकते हैं, हम ऐसे आउटवर्ड बाहर वाली डायरेक्शन में जेड एक्सिस मान सकते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बॉडी के साथ अटैच कर दिया, उसी ओरिजिन में से हम पास करवा रहे हैं, और इसी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू मैंने उस पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर लिखा था, इसी के विद रिस्पेक्ट टू हम ही ओमेगा वैक्टर लिख रहे हैं। ओमेगा वैक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं एक्स और वाई और जेड के अलोंग। आर आई वैक्टर के भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं एक्स वाई और जेड के अलोंग। तो वो सेम चीज मैं वहां पे मैथमेटिकली कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बताई आपको। बस अब हमने इन चीजों को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर एक और चीज चाहिए, आर आई डॉट ओमेगा, वो भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, आर आई वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। ठीक है, देखो उसमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड। ठीक है, सिंपली स्केलर क्वांटिटी आपके पास आएगी व्हेन यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बस अब सारा कुछ हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाना, मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस यही है, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करके एल वेक्टर जो है वो बन जाएगा समेशन आई, एम आई तो बच्चे ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, आर आई स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको, एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर यहां से आ रहा है प्लस जेड आई स्क्वेयर इंटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहां पे चाहिए आर आई वैक्टर, ये रहा आर आई वैक्टर, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप इंटू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ना, तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं, एक्स आई ओमेगा एक्स वाई आई ओमेगा वाई जेड आई ओमेगा जेड। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट भी आप इमेजिन कर, हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ये सारा कुछ एक स्केयर ब्रैकेट में है, तो वो स्केयर ब्रैकेट भी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हमें बच्चों यहाँ पे आई कंपोनेंट के जो कोफिशियंट्स हैं आई कैप के वो अलग करने हैं, जे कैप के अलग करने हैं और के कैप के अलग करने हैं, तो हमें एंगुलर मोमेंटम के फिर तीन कंपोनेंट्स मिल जाएंगे ना। देखिए यहाँ पे आई कैप आ रहा है, इसको इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को के कैप को, माइनस यहाँ पर भी वही सेम चीज होने वाली है। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से देखिए। चलो तो अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स करते हैं। ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट मैंने यहां लगा दी, एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप प्लस एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप प्लस एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा जेड के कैप प्लस वाई आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप प्लस वाई आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप प्लस वाई आई स्क्वेयर ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस तीसरा वाला कंपोनेंट जेड आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप प्लस जेड आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप प्लस जेड आई स्क्वेयर ओमेगा जेड के कैप। तो ये सारे मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें से हमें माइनस करनी है ये वाली सारी टर्म्स, एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप। अब मैं इसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आएगा एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई कैप। नाउ आई विल मल्टीप्लाई इट विद लास्ट टर्म, तो बनेगा एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड, आएगा आई कैप ही है ना, आई कैप चल रहा अभी। चलो अब हम इस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स जे कैप। अब हम इस टर्म को सेकेंड वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई आई स्क्वेयर हो गया अभी ओमेगा वाई जे कैप। अब हम इसको बिल्कुल लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई आई जेड आई ओमेगा जेड जे कैप। लास्ट में अभी हमें
इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स के कैप, सिमिलरली माइनस जेड आई वाई आई ओमेगा वाई के कैप, माइनस जेड आई स्क्वेयर जब हम इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा जेड के कैप, तो ये सारा कुछ स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, ठीक है, पहले देख लेते हैं कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है तो ध्यान से देखते हैं। एक्स आई स्क्वेयर वाली ना टर्म देखिए माइनस में यहाँ पे भी मिलेगी। हाँ चलो, तो बच्चों यहाँ पे स्क्वेयर वाली एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, जैसे एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप यहाँ नजर आ रहा है आपको, और ये एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई कैप माइनस के साथ भी नजर आ रहा है। ऐसे ही वाई आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप यहाँ पे है, और वाई आई स्क्वेयर ओमेगा वाई, हाँ ये भी है, तो माइनस वाई आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप प्लस के साथ यहाँ पे है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही जेड आई स्क्वेयर ओमेगा जेड, ये रहा जेड आई स्क्वेयर ओमेगा जेड, जिसमें देखो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का भी सेम ही कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट, वो जेड आई स्क्वेयर के साथ जहां मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जेड आई स्क्वेयर ओमेगा जेड के कैप यहाँ पर भी है, और जेड आई स्क्वेयर ओमेगा जेड के कैप विद माइनस साइन यहाँ पर भी है, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास बची जैसे आई कंपोनेंट की टर्म्स को मैं हाईलाइट करता हूं। ओके, आई कंपोनेंट में एक ये टर्म बची है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, आई कंपोनेंट है ये, आगे चलते जाएंगे आई कंपोनेंट और कहां पे आ रहा है, ये भी आई कंपोनेंट है, और आगे चलते जाएंगे ये भी आई कंपोनेंट है, सारे आई कंपोनेंट एक बार हाईलाइट कर लिए ना, तो बाकी लिखी जाएंगे फिर टर्म्स। ऐसे ही ये भी आई कंपोनेंट है, इसको भी लिख लेते हैं, सारे आई कंपोनेंट हाईलाइट कर लेने। चलो, तो ये चार वैल्यूज आ रही हैं आई कंपोनेंट में, इसके अलावा नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए, तो इन चार वैल्यूज को पहले हम आगे लिख लेते हैं सेपरेट करके ना, तो समेशन आई ओके। अब मैं एम आई को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो स्क्वेयर वाली टर्म्स है बच्चों उनमें ओमेगा एक्स कॉमन निकल आएगा, तो अब टर्म बन जाएगी एम आई वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स आई क्या, ठीक है। देखो वाई आई स्क्वेयर के साथ ओमेगा एक्स लगा हुआ है, जेड आई स्क्वेयर के साथ ओमेगा एक्स लगा हुआ है, ओमेगा एक्स कॉमन आ गया, एम आई मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में लिख दिया आई कैप, ये दो कंपोनेंट अभी रह गए हैं, माइनस एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आई कैप, माइनस एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड आई कैप, ओमेगा जेड आई कैप, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आई कंपोनेंट सेपरेट करके मैंने लिख लिए, ठीक है। अब मैं जे वाले कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहा हूं, तो उसमें भी सेम इसी तरह से देखिए आप, एक्स आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप यहां पे है, जेड आई स्क्वेयर ओमेगा वाई जे कैप है, सेम उसी सेंस में बनेगा, ओमेगा वाई कॉमन आएगा, और ऐसे ही दो टर्म्स यहां पे और होंगी, एक ये है वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स जे कैप, और एक ये है, ठीक है। पहले आप इनको लिख लेते हैं, चलो तो ये बन जाएगा प्लस एम आई, फिर से सबसे मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ब्रैकेट के अंदर एक्स आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर आ जाएगा, अभी एक्स स्क्वेयर यहां से आ गया, जेड स्क्वेयर यहां से आ गया, ओमेगा वाई कॉमन आएगा, जे कैप आएगा, माइनस डॉटेड वाला ये रहा, दूसरा ये रहा, माइनस एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा एक्स जे कैप, ऐसे ही माइनस एम आई वाई आई जेड आई, यहां से लिख रहा हूं, एम आई मल्टीप्लाई हो गया वाई आई जेड आई ओमेगा जेड जे कैप, ठीक है। तो ये जे कंपोनेंट्स आ गए, ऐसे ही प्लस के कंपोनेंट, तो अब देखो आप थोड़ी एनालॉजी बनाओ, वैसे ही लिखा जाएगा, देखिए एम आई तो आएगा ही, अब देखिए वाई कंपोनेंट में वाई स्क्वेयर नहीं है ना, तो अब जो के कंपोनेंट लिख रहे हो तो उसमें जेड स्क्वेयर नहीं आएगा, तो यहां आएगा एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर, उसके साथ आएगा ओमेगा जेड
के कैप आप वेरीफाई कर लेना, सेम चीज ही है। माइनस, अच्छा माइनस ये वाली दो टर्म्स हमें लिखनी है के कंपोनेंट में, तो माइनस एम आई जेड आई एक्स आई ओमेगा एक्स के कैप माइनस एम आई जेड आई वाई आई ओमेगा वाई के कैप। चलो जी, तो ये हमारे पास समेशन के अंदर सारा कुछ रहेगा, ठीक है। ये अभी आईएथ पार्टिकल्स के लिए है, सारी टर्म्स हमने सबका ऐड करना है। तो इस तरह की एक लंबी चौड़ी इक्वेशन हमारे सामने आई है एल वेक्टर की। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है बच्चों हमें विद एल एक्स आई कैप। मैं यहां पे लिखता हूं किससे कंपेयर करना है, इस चीज से कंपेयर करना है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है, प्लस एल जेड के कैप, ठीक है। क्योंकि इसके तीन कंपोनेंट्स हो गए ना एंगुलर मोमेंटम के, और आपके सामने ही है कि आई कैप के जो कॉफिशियंट्स हैं वो एक्स कंपोनेंट दे देंगे, जे कैप के कॉफिशियंट्स एल वाई दे देंगे, और के कैप के कॉफिशियंट्स एल जेड दे देंगे। तो नेक्स्ट शीट पे हमें ये काम करना है, तीनों कंपोनेंट्स आ गए एंगुलर मोमेंटम के। तो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है, दिस इज एल वेक्टर। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट बच्चों जो था वो आ गया, अब आपको समझ आ गई है, एम आई कॉमन वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर ओमेगा एक्स माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस समेशन एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड, ठीक है। तो ये कहां से आई तीनों टर्म्स देख लीजिए, ये यही वाली तीनों टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये है ओमेगा वाई लगा हुआ है, थर्ड ये है ओमेगा जेड लगा हुआ है। आई कैप मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, सिर्फ कॉफिशियंट लिखा है वहां पे। सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल वाई, एल वाई हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस, उसको ऐसे लिख लेंगे समेशन एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स। तो ओमेगा एक्स के नीचे ओमेगा एक्स वाला लिख रहा हूं मैं, ओमेगा वाई वाले कंपोनेंट के नीचे वही लिखूंगा समेशन आई एम आई जेड आई स्क्वेयर प्लस एक्स आई स्क्वेयर। लास्ट में एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड, ठीक है। तो जेड के नीचे जेड, वाई कंपोनेंट के नीचे वाई, एक्स के नीचे एक्स, इस तरह से लिखनी इक्वेशंस। और ऐसे ही एल जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज समेशन आई एम आई जेड आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस समेशन आई एम आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर ओमेगा जेड। दिस इज इक्वेशन ए बी एंड सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब बच्चों ओमेगा एक्स का जो कॉफिशियंट है ये वाला, उसको हम लिखने वाले हैं आई एक्स एक्स, ठीक है। जस्ट एक नोटेशन है इसके बारे में अभी बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली ये। आप देख सकते हो ना कि ये बेसिकली एम आई आर आई स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर, बेसिक फॉर्मूला, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वेयर, सेम वही चीज है एम आई आर आई स्क्वेयर, ठीक है। तो इसलिए इसको आई एक्स एक्स से डिनोट कर लेते हैं, इस चीज को हम आई एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं, देखो सेम उसी सेंस में, और इसको हम आई एक्स जेड से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम आई एक्स वाई, एक्स वाई नहीं वाई एक्स, सॉरी वाई पहले आ रहा है, वैसे भी एक्स वाई पहले आ गया, इसको हम आई वाई एक्स से डिनोट कर लेंगे, दिस इज आई वाई वाई एंड दिस इज आई वाई जेड। और यहां आई जेड एक्स बन गया जेड एक्स, इसको हम बोल देंगे आई जेड वाई एंड दिस इज, इस कॉफिशियंट को बोल देंगे आई जेड वाई,
और इस कॉफिशियंट को बोल देंगे आई जेड जेड। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, ओमेगा एक्सिस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इतना इतना पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी इन कॉफिशियंट में ओमेगा इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने ये लिखना है तो इतना इतना हमें नोट करना है। तो इस तरह से डिनोट करके वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, एल एक्स विल बी आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे लिख लिया। वाई भी देख लीजिए, वाई एक्स ओमेगा एक्स वाई वाई ओमेगा वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई जेड उसके साथ ओमेगा जेड, और लास्ट जेड कंपोनेंट को ऐसे लिख लेंगे। जस्ट मैं यहां से ये चीज लिख के और उसके साथ ओमेगा को, ओमेगा के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो थोड़ा ना डेरिवेशन को याद करना ही पड़ता है इस तरह से, लेकिन फिजिकली भी इन चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। चलो तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, तीनों कंपोनेंट आ गए एंगुलर मोमेंटम के। इसको बच्चों हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहीं से हम अगला स्टेप कर देंगे ऐसे, एल एक्स एल वाई एल जेड दिस इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बन गया आई एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स डबल वाई वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई जेड जेड। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड के साथ। ठीक है, तो जब आप दोबारा से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो यही वाली इक्वेशंस बन जाएंगी, और इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एल वेक्टर इज इक्वल टू आई के ऊपर ये वाला सिंबल, ये टेंसर बन गया। अभी इसके कितने सारे कंपोनेंट्स आ गए ना, नाइन कंपोनेंट्स आ गए। वेक्टर के तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके नौ कंपोनेंट्स आ गए, एक्स वाई जेड एक्सिस जो हमने माना था उसके अलोंग। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करना हमें डिटेल में, और उसके साथ ओमेगा वेक्टर। तो दिस इज द इक्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इस मैट्रिक्स को जब हम ओमेगा के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, और वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो इन एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। तो हेयर आई डबल एरो इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। अब हम कुछ चीजें डिफाइन करेंगे यहीं से। एक होती है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे जो हमने नाइन कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए हैं उसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, तीन डायगोनल एलिमेंट्स जो कि हैं आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड। ठीक है, ये तीनों जो हैं बच्चों दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। क्या है ये तीनों, लेट मी राइट, समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर इज कॉल्ड आई एक्स एक्स। ऐसे ही दूसरा, जब आप वाई कंपोनेंट लिख रहे हो सेकंड वाली प्रिंसिपल मोमेंट, तो उसमें वाई नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे, एक्स आई स्क्वायर आएगा जेड आई स्क्वायर आएगा। इसमें एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो मोमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये तीनों एक्चुअली एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरा वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तीसरा जेड के अबाउट है। इसको थोड़ा फिजिकली देखते हैं क्या है एक्चुअली ये। अभी मैंने ये जो रिजिड बॉडी बनाई थी उसका ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने माना था, ओमेगा वेक्टर इसके अलोंग था, ओरिजिन यहां पे था, लेकिन एक्स एक्सिस मैंने ऐसे बना दिया था, वाई मैंने ऐसे कहीं पे ओरिएंट कर दिया था, और जेड इस तरह बाहर की तरफ कर दिया था। ठीक है, अब इस बॉडी का अगर आप ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन मानोगे, ये वाला अगर आप इसको एज एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लोगे, और उस केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको ये जस्ट आपको एक्सप्रेशन चाहिए।
तो दीज आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इक्वेशन से आएगा, अगर बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो आपको सेकेंड वाली टर्म यूज करनी है, एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब एक यहां पे टर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। बाकी जितने भी छह के छह कंपोनेंट्स बचे हैं उन सबको बोला जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। वो छह कंपोनेंट्स कौन से हैं? अभी हमने लिखे थे आई एक्स वाई है, एक आई वाई एक्स है, एक आई एक्स जेड है और एक जेड एक्स है, और एक आई जेड वाई है और एक वाई जेड है। ठीक है, ये जो छह कंपोनेंट्स बचे हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। अब ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया है, एक पर्टिकुलर एक्सिस होते हैं रिजिड बॉडी के अंदर, उनके अबाउट ये वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह के एक्सिस होते हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, जिनके अबाउट ये कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वो वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, सच एक्सिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम और प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम चीज है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो डेफिनेशन की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट विच, जैसे लिखते हैं, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट इज टेकन एज ओरिजिन in the body such that products of inertia, जो मैंने अभी आपको बताए products of inertia about them, उन axis के about वैनिश हो जाते हैं, जीरो हो जाती है। ठीक है, ये वाले कंपोनेंट जितने भी हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं, they are called principal axis। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये आपस में इक्वल होते हैं, ये हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सबके एक्सप्रेशन, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स इज इक्वल टू, देखते हैं लास्ट स्क्रीन पे, देखिए दिस इज एक्स वाई माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई, ना यहां पर भी वही चीज है, देखिए माइनस समेशन एम आई, बस एक्स आई की जगह वाई आई आगे आ गया और कुछ नहीं है ना, है तो ये सब स्केलर्स हैं, जस्ट डिस्टेंसेस हैं, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, दे आर इक्वल। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये किसके बराबर होते हैं, माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई, दिस इज माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई जेड आई, यहाँ स्केयर नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके डायमेंशनली स्केयर बन ही जाएगा, और ऐसे ही लास्ट में एम आई वाई आई जेड आई। तो दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, और ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया है, ये तीन स्पेशल काइंड ऑफ एक्सिस होते हैं जिनके लिए ये जीरो हो जाती है टर्म्स। ठीक है, हाँ जी, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं बच्चे, ये किसी भी बॉडी के लिए उसमें एग्जिस्ट करते होते हैं, जिसके अबाउट ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया हैं, ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी वैनिश हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो फिर देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारा टॉपिक था। आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स पे, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, इसके साथ आई कैप लगाओगे, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, तो पूरा वेक्टर बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वैनिश हो जाते हैं, मतलब अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जीरो हो जाएंगी, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, तो ये दोनों टर्म्स वैनिश हो जाएंगी फॉर एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट में ये फर्स्ट वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म वैनिश हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और जेड कंपोनेंट में ये वाली दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी। तो फिर उस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एल एक्स में हमारे पास सिर्फ आई एक्स एक्स आएगा, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं अभी कि हाउ टू राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस इज गिवन एज
एल वेक्टर इज इक्वल टू एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप विल बिकम आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम। और अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम को, अगर हम वो पर्टिकुलर एक्सिस बॉडी के अंदर ढूंढ लें प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब इस केस में व्हाट इज ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ ओमेगा वेक्टर, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ ओमेगा वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस ना बॉडी की शेप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस तरह की, सिलेंडर के लिए डिफरेंट होंगे, स्क्वायर के लिए डिफरेंट होंगे, स्फीयर के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उस केस में ये तीनों कंपोनेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग है, ओमेगा वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हैं। और आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड तीनों हम फाइंड कर लेंगे, उसके लिए फॉर्मूले हमारे पास है, मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिख सकते हैं। अब बॉडीज की कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में को हम डिफाइन करेंगे बेस्ड अपॉन दीज इनर्शियल प्रॉपर्टीज। जैसे कुछ डिस्कशन है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, लेट अस अगर हमारे पास कोई ऐसी रिजिड बॉडी है जिसमें ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, अगर कोई ऐसी रिजिड बॉडी है, If आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड, ये तीनों कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सच काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्फेरिकल टॉप। ठीक है, द रिजिड बॉडी इज कॉल्ड स्फेरिकल टॉप। बेसिकली स्फीयर आप बोल सकते हो, देखिए अब आपने स्फीयर बना दिया, या आपने ओरिजिन मान लिया, तीन आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मान लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब स्फीयर के केस में क्या होगा, चाहे आप इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, एक्स एक्सिस के अबाउट, चाहे आप इसको वाई के अबाउट घुमा दो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, चाहे जेड के अबाउट, तीनों ही डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तीनों ही डायरेक्शन से सेम आएगा, अगर ये एक्सिस के सेंटर में से पास कर रहा है ना, तो इंडिपेंडेंट हो गया एक्सिस के, मतलब तीनों ही ये जो हमारे पास प्रिंसिपल मोमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों मोमेंट्स बराबर हैं एक दूसरे के, तो सच काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्फेरिकल टॉप। ये कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड केस है हमारे पास, अगर दो कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हुए, जैसे एक्स कंपोनेंट ऑफ इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर वाई के बराबर हुआ लेकिन जेड के बराबर नहीं है। ठीक है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आपने माने, उसमें से दो एक्सिस तो ऐसे हैं जिनके अबाउट जो बॉडी है वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही है, बट एक तीसरा एक्सिस ऐसा है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बॉडी को बोला जाएगा सिमेट्रिकल टॉप। ठीक है, तो बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्रिक टॉप। लास्ट कैटेगरी है जो हमने पढ़ा था, रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे रिजिड रोटेटर, इस केस में क्या होता है कि दो कंपोनेंट तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोई दो एक्सिस ले लिए हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दे आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला एक्सिस ले लिया आपने वाई एक्सिस और एक इधर ले लिया इस, ठीक है, दोनों ही मिड पॉइंट से निकल रहे हैं और परपेंडिकुलर टू लेंथ है। ठीक है, तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, बट जो तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, वो तीसरा एक्सिस आपने ये मान लिया। अब ये एक्सिस तो देखिए मास के सेंटर में से ही निकल रहा है एंड दे आर पॉइंट मासेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो अबाउट दिस एक्सिस, तो आई जेड जेड इज जीरो, मैंने इसको जेड एक्सिस मान लिया,
ठीक है, ये वाई ले लेते हैं हम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो एक्स माना था हमने, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड रोटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टीज हर तरह की बॉडीज की आपको याद रखनी है। एक्सप्रेशन हमने एंगुलर मोमेंटम का ड्राइव किया, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये है, जो मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस वो होते हैं जिनके अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया वैनिश हो जाते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया हैं वो टर्म्स जब वैनिश हो जाएंगी तो एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ आपको ये ही तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई और एक्सेस लेके चलते हो, प्रिंसिपल एक्सेस नहीं लेके चल रहे, आप बॉडी के अबाउट कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सेस लेके चल रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये सारे के सारे नौ कंपोनेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फाइंड करने पड़ते हैं। बेसिकली आपको ये पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है उस बॉडी के लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को सिलेक्ट करने पे डिपेंड करता है सारा कुछ। तो उस केस में ये टर्म्स वैनिश नहीं होंगी, तो एंगुलर मोमेंटम जब भी कैलकुलेट करना है इन सारे कंपोनेंट्स को लेके करना है। वो भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कुछ इस तरह से एक्सिस सिलेक्ट करते हो कि बॉडी उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली नहीं पड़ी हुई, जैसे मान लो हम सिंपल एक सिलेंडर की एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है हमारा, देखो। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट आप समझ लो कि भाई ऐसे सिलेंडर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इसके अबाउट लाइक दिस। अब आप देखिए कि इस केस में राइट हैंड साइड वाला ये जो पार्ट है इसमें मास कम है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मास ज्यादा है, तो इसमें ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स है वो वैनिश नहीं होंगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होता है, जिसमें राइट हैंड साइड में जो मास है हमारा, मतलब जो बॉडी है उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो। अब जैसे मैंने ये एक एक्सिस बना दिया, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर बॉडी एकदम सिमेट्रिकली पड़ी हुई है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब इसके अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया विल बी वैनिश्ड, वो जीरो हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया होंगे नहीं। बाकी तीन कंपोनेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, उसमें भी फिर मैंने कैटेगरीज बता दी आपको कि अगर आप कोई तीन एक्सिस इस तरह से परपेंडिकुलर ले लेते हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, उनके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, और फिर कैटेगरीज हैं बॉडीज की जिनके लिए ये दो जीरो होते हैं वो मैंने, हाँ, फिर उसके बाद हमने कैटेगरीज डिस्कस कर ली। उस तरह से हम बॉडीज को क्लासिफाई भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर इनर्शियल प्रॉपर्टीज। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको कुछ थोड़ा इन डेप्थ समझ आया है। थोड़ा हम ना भी एडवांस लेवल पर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई जनरल सेंस में हमने रोटेशनल मोशन को कैसे सॉल्व करना है। एक बॉडी है रिजिड बॉडी, जनरल सेंस में हमने एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है, तो उसमें नाइन कंपोनेंट्स आ गए इनर्शिया के। बट हम बड़े ही ध्यान से और हम कहें कि बड़े ही ट्रिकफुली एक्सिस इस तरह से चूज कर लेते हैं बॉडी के, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, कि वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स हैं वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, वो वैनिश हो जाती हैं, और बाकी तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं और हम बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। आगे बात, तीन डिफरेंट पार्टिकल्स मुझे दे रखे हैं, हर किसी का मास एम है और उनकी लोकेशंस बता रखी हैं। तीन पार्टिकल्स हैं एम एम एम, उनकी लोकेशंस मुझे बता रखी हैं ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो कॉमा ए कॉमा टू ए, और तीसरा पार्टिकल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो कॉमा टू ए कॉमा ए। ठीक है, ये लोकेशंस हैं हमें प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं सिस्टम के। अब पहले हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं पार्टिकल्स। हम इस तरह से एक्सिस बना लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए जीरो जीरो, तो यहाँ पे कहीं पे ए मान लेते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल बना हुआ है, ये डिस्टेंस ए हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया ए जीरो जीरो। ऐसे ही दूसरा पार्टिकल जीरो ए टू ए पे पड़ा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट ए है, तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे ए होगा, और ये जेड एक्सिस है तो यहाँ पे कहीं पे 2a होगा। हम इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे परपेंडिकुलरली, जहां दोनों यहां मिलेंगे वहां एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0a 2a। ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के हैं 0 2a इन a, है ना, उसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब सेम प्लेन में लाई करेगा, ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है, तो सेम प्लेन में लाई करेगा तीसरा पार्टिकल, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट 2a है, तो यहां कहीं 2a होगा,
यहाँ कहीं 2a होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐसे आ गया यहाँ पे, और लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो a है, z कोऑर्डिनेट उसका a है, तो a यहाँ पे होगा। इस तरह से मैं लोकेट कर रहा हूँ जस्ट आपको इमेजिन करवाने के लिए। तो ये तीसरा पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो तीन पार्टिकल्स का सिस्टम है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे ज्वाइन कर दोगे ना तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये सिस्टम घूम रहा है, ठीक है, हमें प्रिंसिपल मोमेंट्स फाइंड करनी है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं। तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो आई एक्स एक्स फाइंड करना है, समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। अब यहाँ आई क्या है, आई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, तीन पार्टिकल्स हैं तो तीनों के लिए हमने ये टर्म लिखनी है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, पहला पार्टिकल उसका वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का मास प्लस थर्ड पार्टिकल का मास, ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब डिस्टेंसेस, मास इज एम, पहले पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट, पहले पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, चाहे आप यहां से डायरेक्ट पुट कर दो, चाहे आप यहां से देखो वाई कोऑर्डिनेट है नहीं, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर। पहले पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो है, जीरो का स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का मास एम, उसका वाई कोऑर्डिनेट ए है, ए स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट टू है, फोर ए स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का मास एम, उसका हमारे पास y कोऑर्डिनेट 2a है, 4a स्क्वायर हो गया, और z कोऑर्डिनेट a है, a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 5ma स्क्वायर प्लस 5ma स्क्वायर इज इक्वल टू 10ma स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट x एक्सिस, ये वाला जो x एक्सिस है ना उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का। देखो ना कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप प्लस वन में जैसे आप करते थे पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस लेते थे और वो सारा कुछ, तो कोऑर्डिनेट्स से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है इस फॉर्मूले का। सिंपली यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ऐसे ही देख लो बच्चों, आई वाई वाई फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता है अभी, एम आई। अब जब वाई वाई फाइंड करना है तो उसमें वाई आई स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे, एक्स आई स्क्वायर आएगा और जेड आई स्क्वायर आएगा। ये हमने अभी एनालिसिस से कैलकुलेशंस करके ये अभी हमने फाइंड किया हुआ है। तो जस्ट फिर तीन टर्म्स बन जाएंगी, फिर आप कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे जैसे अभी हमने किया था, एंड यू विल सी आंसर इज 6ma स्क्वायर, एंड सिमिलरली आई जेड जेड भी जो है दैट इज ऑल्सो 6ma स्क्वायर। अब दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ रहा है और तीसरे के अबाउट बराबर नहीं आ रहा, तीसरे के अबाउट डिफरेंट आ रहा है, तो सच बॉडीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक टॉप। तो ये भी आप यहाँ पर वो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि ये कौन से कैटेगरी में ये सिस्टम आ रहा है, क्योंकि ये दोनों के अबाउट 6ma स्क्वायर आ गया, तीसरे एक्सिस का डिफरेंट है। आगे बात समझ, सिंपल फॉर्मूला भी मैंने अप्लाई करना बता। यस सर। अब आप वैसे सोचो जैसे प्लस वन में करते थे, तो प्लस वन में आपको ये डिस्टेंसेज ऐसे नहीं लेने होते थे ना, आपको ऐसे ट्रायंगल दिया होता था, ट्रायंगल के ऊपर ऐसे मासेस पड़े होते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेके करते थे। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए पार्टिकल्स के, और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट निकाल सकते हो। इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी फाइंड किए जा सकते हैं, हो सकता है वो वैनिश हो जाए, हो सकता है वो वैनिश ना हो। जैसे अगर मान लो आई एक्स वाई फाइंड करना है, तो आई एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई, यही है ना। यस सर। वो पता नहीं जीरो आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता ये प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है, बट मैंने वो तीन कंपोनेंट्स फाइंड कर लिया। अब ये करते हैं देखते हैं, तो ये बनेगा माइनस साइन कॉमन, पहले फर्स्ट टर्म एम वन एक्स वन वाई वन, ठीक है, प्लस एम टू एक्स टू वाई टू, प्लस एम थ्री एक्स थ्री वाई थ्री, है ना। तो जस्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, तो मास तो सबका सेम ही है, वो माइनस एम कॉमन आ गया, अंदर कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट जीरो, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, प्लस
x coordinate 0, y coordinate a, second term is also 0, third may be x 0, 0. तो यहां पर ये वैनिश हो गया है ना, तो आई एक्स वाई वैनिश हो गया, तो आई वाई एक्स भी जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। ऐसे ही बच्चों आप जब कैलकुलेट करोगे आई एक्स जेड, तो एक्स जेड में भी देखो एक्स जीरो आ रहा है, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसमें जेड जीरो आ रहा है, वैनिश हो जाएगा, आई एक्स जेड भी वैनिश हो जाएगा। आई वाई जेड अगर आप फाइंड करोगे, वाई जेड में ये टर्म बचेगी, वाई जेड में ये भी टर्म बचेगी, ये वैनिश होगी, तो आई वाई जेड जीरो नहीं है, आई वाई जेड जीरो नहीं है, मतलब ये जो तीन एक्सिस हमें यहाँ पर मिले हैं, ये तीनों एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस तब होते अगर तीनों प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया वैनिश हो जाते, तीनों प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वैनिश नहीं हो रहे। आप देख लीजिए जो आई वाई जेड है, जिसका फॉर्मूला है माइनस समेशन एम आई वाई आई जेड आई, वो जीरो नहीं आएगा, माइनस एम कॉमन आएगा, अंदर लिखेंगे वाई वन जेड वन प्लस वाई टू जेड टू प्लस वाई थ्री जेड थ्री, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एम आ गया, वाई वन जेड वन, वाई वन ये रहा, जेड वन ये रहा, जीरो है वो टर्म जीरो, प्लस वाई टू जेड टू, इनको मल्टीप्लाई करना है टू ए स्क्वेयर, प्लस वाई थ्री जेड थ्री, इनको मल्टीप्लाई करना है टू ए स्क्वेयर, तो इट इज माइनस फोर एम ए स्क्वेयर, तो दिस इज आई वाई जेड, इट इज नॉट वैनिशिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया। तो ये हाँ जी, तो इसका मतलब है कि जो तीन एक्सिस हमें दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है मासेस के, वो तीनों प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, क्योंकि आई वाई जेड वैनिश नहीं हुआ। अगर ये वैनिश हो जाता, तीसरा भी, अगर आई वाई जेड भी वैनिश हो जाता, तो फिर ये तीनों एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस थे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर से रिलेटेड ही। हमें एक क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर फाइंड करना है। उस क्यूब की हर एक साइड स्मॉल ए है और उसकी जो मटेरियल की डेंसिटी है वो रो है, मास उसका एम है। तो साइड ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए, ठीक है जी, डेंसिटी इज रो, मास इज कैपिटल एम, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो दिस इज द केस, ये हमारे पास z एक्सिस, x एक्सिस, इधर x एक्सिस ले लेते हैं, एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और क्योंकि x क्रॉस y z होना चाहिए ऐसे लेना पड़ेगा। हमारे पास यहां पर एक क्यूब है, उस क्यूब की साइड स्मॉल a है, ये क्यूब है आपके सामने, मैं बना रहा हूं, इसकी जो साइड है दैट इज स्मॉल ए, दिस साइड इज स्मॉल ए, और ये भी हाइट भी, रो इसकी डेंसिटी है, मास इसका कैपिटल एम है। हमें इसका प्रिंसिपल मोमेंट्स भी फाइंड करनी है, प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करने हैं। इसका एक कॉर्नर ओरिजिन पर पड़ा हुआ है, इस तरह से गिवन है, ठीक है, तो लेट अस फाइंड, कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल मोमेंट्स का फॉर्मूला होता है, जैसे आई एक्स एक्स था हमारे पास, दैट वाज मास ऑफ आई एथ पार्टिकल, समेशन मास ऑफ आई एथ पार्टिकल इंटू वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर, ये था जब हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम है। अब बच्चों ये एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, कॉन्टिन्यूस बॉडी के केस में समेशन की जगह इंटीग्रेशन आएगी। पहले मैं साइड्स कंप्लीट कर लूँ, यहाँ पे हमारे पास समेशन की जगह इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है फॉर दिस केस। एम आई की जगह वी विल टेक स्मॉल मास डी एम, तो एम आई की जगह हम स्मॉल मास डी एम लेंगे, डी एम को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमने एक्सप्रेस करना है, तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डी वी, ये डी वी जो है यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम है, जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस क्यूब के अंदर हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया है लाइक दिस, ठीक है, ये आपके सामने बना दिया मैंने, तो दिस इज स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम। इसकी जो साइड्स हैं बच्चों, ये वाली साइड डी वाई हो गई, ऊपर वाली साइड डी जेड हो गई, बाहर वाली साइड ये जो थी ये वाली दैट इज डी एक्स, ठीक है, एक्स के अलोंग, तो ये वॉल्यूम बन गया डी एक्स डी वाई
डी जेड, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके स्मॉल वॉल्यूम बन जाएगा एंड दिस इज डी एम। तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, हमें पहले स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल मोमेंट, प्रिंसिपल एक्सेस लिखना है, मतलब आई एक्स एक्स की जगह आई विल राइट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस डी आई एक्स एक्स। तो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, समेशन नहीं अभी यूज करेंगे, सिंपली लिखेंगे डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी एम को पुट कर देंगे रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमें लिखना है तो इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो इस डी आई एक्स एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है फॉर दिस होल क्यूब, ठीक है। तो दैट इज आई एक्स एक्स इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एक्स एक्स, जैसे यहां पे समेशन था उसकी जगह अब हमारे पास इंटीग्रेशन है, बिकॉज दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है, एक प्रॉपर बॉडी है, पार्टिकल्स की इन बिटवीन जो स्पेसिंग है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सच काइंड ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन चेंजेस टू इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, बस इसको अभी हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट्स क्या है, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड तीन बार इंटीग्रेट करना है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, मैं यहाँ वी लिख देता हूँ। इसको कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट लिमिट 0 टू ए, सेकेंड लिमिट 0 टू ए, थर्ड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए, रो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज उसके साथ dx, dy, dz, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y स्क्वायर dy अलग होगा, z स्क्वायर dz अलग होगा, dx के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, वो अलग से होगा। तो फर्स्ट हम पहले लिख लेंगे 0 टू a dx की इंटीग्रेशन, वो अलग से सॉल्व हो जाएगी, रो कांस्टेंट है, रो बाहर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप जब देखिए y स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर डी वाई डी जेड आएगा ना, तो y स्क्वायर डी वाई अलग से सॉल्व होगा, 0 टू a y स्क्वायर डी वाई अलग से सॉल्व होगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई डी जेड भी हो रहा है, उसको 0 टू a डी जेड आपको अलग से करना पड़ेगा, सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, पहले खोल देते हैं इसको, आपको स्टेप समझ आ जाए। तो dx यहां पे बाहर आ गया, ये दोनों मैं अभी इंटीग्रेशन के लिमिट्स ऐसे लिख देता हूं, y स्क्वायर dy dz प्लस z स्क्वायर dy dz, ये ब्रैकेट में एज इट इज रहने देते हैं। देखो मैंने y स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई किया, z स्क्वायर को भी इन दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, dx को सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैंने पहले ही बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करनी है तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे यहां पे, रो 0 टू a dx ऐसे रहेगा, अब 0 टू a y स्क्वायर dy की इंटीग्रेशन अलग है बच्चे यहां पे, और dz की इंटीग्रेशन अलग है, यहां एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस, सिमिलरली 0 टू a z स्क्वायर dz अलग से करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई जीरो टू ए, ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए बस, फिर सॉल्व हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, रो डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स पुट करोगे ए आ जाएगा, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई थ्री, लिमिट्स पुट करोगे ए क्यूब बाई थ्री आएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब बाई थ्री यहां से आ गया हमारे पास, डी जेड की इंटीग्रेशन ए है तो ए के ए का फैक्टर यहां से आ गया सिंपली, प्लस यहां पर भी सॉल्व करेंगे तो a क्यूब बाई थ्री का फैक्टर आएगा मल्टीप्लाइड बाय a आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 2a की पावर 4 बाय थ्री, रो a तो है ही है, उसके साथ साथ 2a की पावर 4 बाय थ्री, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे, रो ए क्यूब मैं अलग कर रहा हूँ, रो इंटू ए क्यूब, और अगर आप ए क्यूब अलग कर लोगे तो ए स्क्वेयर बचेगा, 2 बाई थ्री ए स्क्वेयर अलग से लिख लिया हमने, ठीक है।
क्योंकि पावर 5 बन रही है ना यहाँ पे। अच्छा अब रो इंटू ए क्यूब क्या है, देखो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस होल क्यूब इज ए क्यूब, तो रो ए क्यूब मास के ही बराबर है। यहाँ इसको इन टर्म्स ऑफ मास लिखेंगे तो आई एक्स एक्स मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आई एक्स एक्स का रिजल्ट आ गया 2/3 एम ए स्क्वेयर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड केस में आई वाई वाई फाइंड करेंगे, सिमिलरली यही आंसर आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है बॉडी, जैसे ये एक्स के अबाउट पड़ी है वैसे ही वाई के अबाउट है और वैसे ही जेड के अबाउट है, तो यहाँ तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। तो मैं नेक्स्ट शीट पर लिख देता हूँ कि जो हमारा आई वाई वाई आएगा दैट इज ऑल्सो 2/3 एम ए स्क्वेयर और आई जेड जेड इज ऑल्सो 2/3 एम ए स्क्वेयर। सेम इसी तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं होगा उसमें। देखिए उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले भी दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए जब आपको आई वाई वाई निकालना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई वाई वाई करना है और डी आई वाई वाई होगा डी एम इंटू, अब देखिए वाई वाई कर रहे हैं ना तो एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आएगा इसमें, ठीक है, और डी एम को फिर हम वही पुट करेंगे रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस चीज को आपने ओवर द होल वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, वैसे ही खोल के जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। ऐसे ही आई जेड जेड का जो फॉर्मूला होता है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड जेड है तो उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स पे। तो दीज आर द रिलेशंस फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर ए कॉन्टिन्यूस बॉडी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर फॉर आई जेड जेड, ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। अब हम प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। हाँ जी, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया क्या होते थे, आई एक्स वाई आई वाई एक्स के ही बराबर होता था, है ना। अब इसको जब आप लिखोगे फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है माइनस डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एम, जब आप एक्स वाई लिख रहे हो तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है वाई जेड आई जेड वाई के बराबर है, फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डी एम, अब आप जेड वाई लिख रहे हो तो जेड कोऑर्डिनेट इंटू वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आई एक्स जेड इज इक्वल टू आई जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एम एक्स जेड, ठीक है, बराबर होते हैं सारे, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। अब फिर से हमें डी एम को यही पुट करना है जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और एक्स और वाई की लिमिट्स लेके इंटीग्रेट करना है, तो मैं आई एक्स वाई सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। दैट इज माइनस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, देखो डी एम की जगह मैं पुट कर रहा हूं रो डी एक्स डी वाई डी जेड और उसके साथ एक्स वाई आ रहा है, अभी मैंने ऐसे लिखा वॉल्यूम इंटीग्रल। अब मैं लिमिट्स अलग अलग कर रहा हूँ, सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा हूँ, तो रो बाहर आ गया, जीरो टू ए इंटीग्रेट करना हमें एक्स डी एक्स को, देखो एक्स है और डी एक्स है। ऐसे ही मल्टीप्लाई जीरो टू ए हमें इंटीग्रेट करना है वाई डी वाई को, ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई में जीरो टू ए इंटीग्रेट करना है डी जेड को, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। माइनस रो एक्स स्क्वेयर बाय टू आएगा, लिमिट्स पुट करोगे ए स्क्वेयर बाय टू आएगा यहाँ पे वाई स्क्वेयर बाय टू आएगा, लिमिट्स पुट करोगे फिर से ए स्क्वेयर बाय टू आएगा। उसके बाद डी जेड को सॉल्व करोगे, डी जेड का ए आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये बन गया माइनस रो ए की पावर 5 डिवाइड बाय 4, ए की पावर 5 को हम ऐसे अलग अलग कर लेंगे, रो ए क्यूब मास है ए स्क्वेयर बाय 4, तो ये बन गया माइनस एम ए स्क्वेयर बाय 4। तो माइनस एम ए स्क्वेयर बाय 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई। अब आई एक्स वाई आई वाई एक्स के बराबर है, सिमिलरली यू कैन सी कि जो आई वाई जेड भी है वो भी यही आएगा माइनस 1/4 एम ए स्क्वेयर और आई एक्स जेड भी जो है दैट विल बी माइनस 1/4
एम ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर अब लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इस क्यूब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऐसे होता है, इस क्यूब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर लिखना है तो वो होता है आई एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स जेड वाई, जेड वाई आई जेड जेड, ठीक है। ये जस्ट वैल्यूज जो है सारी, ये जो मैट्रिक्स बन जाता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर बोलते हैं। तो इस क्यूब के केस में क्या आया, देखिए आई एक्स एक्स हमारे पास आया था 2/3 एम ए स्क्वेयर, और बाकी सारे आए हैं -1/4 एम ए स्क्वेयर, ये भी आया -1/4 एम ए स्क्वेयर, बाकी सारे वही है, बट डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2/3 एम ए स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन से हुए, एक्स वाई जेड जो हमने माने थे, ठीक है। ये अगर हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है अगर जो अभी हमने बनाया था, तो अगर आप इस क्यूब को किसी भी साइड के अबाउट रोटेट करोगे, जैसे ओरिजिन उसने बोला यहां पे था, दिस इज योर वाई एक्सिस, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इस क्यूब को ऐसे रोटेट कर रहे हो, आप ऐसे इमेजिन करिए ऐसे ये घूम रहा है, तो उस केस में जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस क्यूब का, वो आएगा 2/3 एम ए स्क्वेयर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे अगर घूमेगा। ऐसे ही अगर मान लो जेड के अबाउट आप घुमा रहे हो लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है पूरा क्यूब, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 एम ए स्क्वेयर, और अगर आप जेड के अबाउट घुमा रहे हो तब भी 2/3 एम ए स्क्वेयर। ये प्रिंसिपल मोमेंट्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया आई वाई एक्स है, आई एक्स जेड है, ये सारे उनकी वैल्यूज हैं -1/4 एम ए स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।